तो सोमू तैयार हो रहा है? नॉट द लास्ट पेपर है मेरा। मजे आ गया तो। फिर क्या प्लान है? क्या प्लान है? कुछ ज्यादा प्लान नहीं है। क्यों, होना तो चाहिए, आज लास्ट पेपर है तो। आज 31st है ना? 31st मेरा हर दिन ही ऐसा होता है जैसे लास्ट पेपर हो, हर दिन ही बोर हो रहा होता है। बोर हो रहा होता है? हां। अब इसके आज में कुछ जोर से बोल, समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ। इसलिए आज मैं कुछ नया करूंगा। जैसे? ऐसे कुछ आगे का पढ़ूंगा। वाह, पढ़ेगा, ये तो बिल्कुल नई चीज है तेरे लिए। मैं टॉपिक तो नया पढ़ूंगा ना। सॉक्स पहनो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉक्स को फ्रीज करो। वाह, ट्यूटोरियल। इसका इलास्टिक से बाहर निकाल लो, जहाँ पे एड बनी हो पढ़ के डाल दो अंदर। ये स्टेप मैं तेरा स्किप करवा सकती हूँ खींचने का। जल्दी भी बन जाती है उससे। शूलेस बांधना सिखाए तो बात ही है। चल पहन ली सॉक्स। उन्होंने शूज मैंने कल रात को पॉलिश करके रख दिए थे, वो पड़े। ओके, अब मैं ट्यूटोरियल दूंगा हाउ टू टाई लेसेस ऑफ योर शूज। सुबह सुबह का समय है, सोमू शूज पहनने जा रहा है और ये तो बहुत जरूरी ट्यूटोरियल है क्योंकि इसके स्कूल के कई बच्चों को लेसेस बांधने नहीं आते। वो कहते हैं भाई लेस बांध दे एक दूसरे को। सबसे पहले डाल दिया जूता, फिर ये जो ये जीप है, हम इसे जीप कहते हैं जूते की, इसको ऐसे ऊपर खींच लो और इनको ऐसे स्ट्रेच कर लो। फिर इनको ऐसे नॉर्मल एक गांठ मारो, ऐसे कर लो और फिर इसका एक गोला बनाओ, इसको ऐसे ही ले जाओ और डन। वाओ, एक और वे है। अच्छा, लेकिन वो मतलब ऑलमोस्ट इसी जैसा है, लेकिन एक चल। हाँ, ये देखो इसको ऐसे करो, इसको गोला बनाओ और फिर इसको भी गोला बनाओ, लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ हो सकती है, और फिर इसको ऐसे घुमा दो। इसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। हाँ, नाउ आई एम ऑल डन। शूज तो देख लूँ तेरे सही बन रहे। वाह भाई वाह, ये तो हीरो बन गया। मैक्स नहीं जाएगा, बस मेरे पास बैठेगा। ठीक है मैक्स, आप नहीं जाओगे। मैक्स सर, हु आर यू? आई विल गो। व्हाट डिड यू से? बाय। सो चलना है? नहीं, कुछ नहीं लाना। ब्रेड ले आना, ब्रेड। वो थोड़ी सी दोबारा क्या बता दो कि सेकंड राउंड में कैसे बर्तन धोते हैं? क्या इधर आके बोल, जोर से बोला कर। फ्रेंड्स को बता दो कि जो दोबारा बर्तन धोए हैं मशीन ने, वो कैसे धुले हैं? बहुत अच्छे धुले हैं सोमू ने, और लगाए थे वो, और वो मस्त। नहीं मैक्स नहीं जाएगा, मैक्स नहीं जाएगा। नहीं नो, ब्रेड भी हाफ पड़ी हुई है। पापा कह रहे पधारिए। मिंदर इसको मत लेके जाना, ये नहीं जाएगा। कह रहे कौन नहीं जाएगा? जाओ, मैं तो जाऊंगा। बाय फ्रेंड्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक सोमू। थैंक यू, बाय। सबसे पहले वो दूसरा फ्रेंड्स पर एक बात बता दूँ, मैं कल जितना पागल हो गया था ऑनलाइन करते ना, वो आदत हो रखी है। मैं मम्मी फिजिकल में आपसे पूछने वाला था कि ग्राफ लेके आना, मुझे ये दिमाग में ही नहीं रहा कि ग्राफ स्कूल वाले देंगे, पापा चले गए। बाय, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से ऊपर लिख के। चला गया स्कूल और ये देखो, ये उसके बेड पे कब्जा करके बैठा है, सो रहा है मजे से। भाई कहाँ मैक्स? भाई सोमू कहाँ गया? सोमू कहाँ है? स्कूल छोड़ के आ गया उसको? भाई को स्कूल छोड़ के आया ना?
आप कब आएगा भाई? सोमू कब आएगा? सोमू जसो जसो आ रही है, देखो तू दामू चला गया स्कूल और ये मैक्सो लगा हुआ मेरे साथ खेलने। मैक्सो कह रहा है मम्मा मैं खेली खेली करूंगा। ये देखो ले आया तो ले आया मम्मा के पास। मैक्सो इधर मैक्सो किधर? मैक्सो उधर। मैक्सो ना जब सोमू चला जाता है ना फिर मैक्सो बोल लाता करता है, इसको लगता है मम्मा अकेली ना रहे, है ना छोड़ भाई तो अभी थोड़ी देर में आएगा, तब तक मम्मा साथ में खेली खेली कर लेता हूँ। मम्मा साथ में खेली खेली, है ना मैक्सो? मैक्सो बता, मैक्सो बता कि चीज़ें खा रहे हैं तो बिस्किट खेल गया। सोमू स्कूल से आ चुका है और अब वो बैठ के पढ़ रहा है। मैंने उसे कहा तू आते ही पेपर था, पढ़ने क्यों बैठ गया? कहते जस्ट फॉर फन। मैंने इसमें क्या फन है पढ़ने? उसको पढ़ के जिस चीज़ में मजा आता उसको किसी में नहीं आता, वो फिर बैठा पढ़ रहा है। वो टांगी हुई है गाड़ी ऊपर किसी चीज से। अरे वो तो पता नहीं, लॉजिक तो वो लॉजिक है, ये सारा लॉजिक होता है, अच्छी मूवीज में ऐसे ही लॉजिक होते हैं। छोटा बच्चा है क्या ये? क्या कर रहा है छोटा बच्चा है क्या? कैसे शैतानी सूझ रही है इस समय? ये दोपहर को आज भाई आया हुआ है तो आहा आज भाई घर पे है ना। अरे ये देखो इसको है। मैं मेरे साथ होता तो सोता रहता है, उसके साथ इसको खेल आ रहे हैं। फ्रेंड्स आपको एक चीज दिखाऊं, आपको महेंद्र बाहुबली दिखाऊं। अरे हट भी, ड्रामा है ये महेंद्र बाहुबली। गेर मत दियो। एक सेकंड फ्रेंड्स, टेक्निकल डेमो कर। महेंद्र बाहुबली की जय हो। महेंद्र गिर जाएगा, तड़पेगा ये ना, तड़पी हमारे इसको डर लग रहा है अभी। मैक्सो खुद ही मार, अब तेरी खैर नहीं छोड़ दे। ओ दे और लेगा ना पंगे से। मैं ले रहा हूँ ये ले रहा है कौन ले रहा है खुश हो गया भाई मेरे को इज्जत दे दी। गोल गोल इतने इतना इज्जत मान, इसको बड़ा मजा आता है। तो फट फट करा के छोड़ियो कहेगा और करो। बाहर लग गई है, बाहर फटोने लगी। चल मैक्स, चल मम्मी चलेंगे, पापा का मेरे पापा। मैक्स कौन आया? पापा आए? मासूम जो कुछ मासूम हो गया, कितना शरीफ। ओहो इसकी इनोसेंस। ओहो लगता है शीरो भी आया साथ में। हैं? शीरो भी आया पापा के साथ? शीरो कौन आ गया? डॉलर आ गया, डॉलर पापा। शीरो चलो शीरो से खेलेंगे, चलो घूमने जाना है, पापा से मिलना है। पापा कुछ हुआ नहीं, तू तो लेट गया धोखे बाज। चल मैं खाजी कर लेता हूँ, तब तक अपने कानों को थोड़ा पैम्पर कर लेता हूँ। है मैक्स भाई के पेपर खत्म हो गए आज। हाँ भाई के सोमू के। यार खुजाने दे, मुझे पेपर को मतलब नहीं, मुझे स्कूल में लेके जाता है नहीं, ये बाहर से छोड़ाता है। आज इसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे गली के, ये डरा नहीं ना? नहीं कोई और डर गया था। मैं डर गया था। क्यों तुझे क्या लगा? मुझे जब मैं पीछे बैठा हुआ था साइड भाग रहे थे, मुझे लगा था एक ऐसा मुंह आएगा तेरी डांग पकड़ लेगा। क्या क्या ये क्या कर रहा था तुम? इसने अपनी मुंडी बाहर निकाल देख रहा था दृश्य, पापा को देख, ये भी भौंक रहा था।
उसका पता नहीं, और बीच में दृश्य के बीच में कुछ आ गए अनवांटेड लोग, बिन बुलाए मेहमान, और फिर ऐसे ऐसे करने लगे भागने लगे, डर गया था। फिर तू कहता जय माता दी जय माता दी, पापा बता रहे कहते तो मुँह डर गया, ये नहीं डरा, ये तो और चौड़ा हो रहा था, अगर इसकी रस्सी खुली होती तो ये भाग के उनके साथ ही मिल जाता, लड़के आता उनसे पूरा। शीरो के नाम पे तो शीरो आ गया, शीरो चलो शीरो आ गया, खुजा रहा है, टी शर्ट गंदी कर रहा है, चल चेंज कर, चेंज कर। आप देख रहे हैं दोपहर के 2 बज चुके हैं, सोमू खाना खा रहा है, मैक्स ऊपर आराम फरमा रहा है, अभी उसको मैं नीचे भेजूंगी क्योंकि अब हम मैं और सोमू ऊपर सोते हैं तो ये हमारे को खूब तंग करता है, सोते सोते कभी मेरे ऊपर जंप करता है कभी सोमू के ऊपर, तो हमें इसे जरूर ज़बरदस्ती नीचे सुलाना पड़ता है, इसके बिस्तर पर सुलाती हूँ मैं इसको, और फिर मिलते हैं शाम को, अभी तो लंच और रेस्ट टाइम। अच्छा 6:30 बज गए हैं शाम के, और आज दोपहर को हम सोए थे, शाम को उठी हूँ 4 बजे, जो मेरे दांत में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मेरे से बिल्कुल भी बोलने में भी दिक्कत हो रही है, इवन पानी पी रही हूँ तो पानी भी नहीं पिया जा रहा है, अचानक से दर्द उठा है और इतना तेज़ दर्द हो रहा है, इतना तेज़। और सुमू गया मेरे लिए मेडिसिन पूछने ऊपर आंटी से, आएगा तो देखती हूँ मिलती है मेडिसिन की नहीं, और पेन बहुत ज़्यादा है। चलो फ्रेंड्स रुक के बात करते हैं, अगर मुझसे करी गई, नहीं तो मेरे से तो अब बोला भी नहीं जा रहा। तो कैसे आप लोगों को, और अभी मैं मम्मा की दवाई लेने गया था लेकिन वो दवाई है नहीं आंटी के पास, और अभी मम्मा के बहुत दर्द हो रहा है दांत में, तो इसी के साथ आज का हम ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे आपको हमारे हर न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिले, और हम चाहते हैं कि आपको हमारे हर एक न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिले। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्यों नहीं महसूस होती उसे मेरी तकलीफ, क्यों नहीं महसूस होती उसे मेरी तकलीफ, जो कभी कहा करते थे कि बहुत अच्छे से जानते हैं तुझे।